सिंधी समाज का झूलेलाल मेला 26 और 27 मार्च को कोठी मीना बाजार में लगने जा रहा है। झूलेलाल मेले का भूमि पूजन शुक्रवार को कोठी मीना बाजार में जय झूलेलाल मेला आयोजन समिति ने पूजा कर किया। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस बार होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। सिंधी समाज का झूलेलाल मेला 26 और 27 मार्च को कोठी मीना बाजार में लगने जा रहा है। झूलेलाल मेले का भूमि पूजन शुक्रवार को कोठी मीना बाजार में जय झूलेलाल मेला आयोजन समिति ने पूजा कर किया। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय मेले में इस बार होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। आपको बता दें कि तृतीय अंतर्राष्ट्रीय झूलेलाल मेला विभिन्न आकर्षणों से संपन्न हो, इसी प्रार्थना के साथ मेला स्थल कोठी मीना बाजार पर भूमि पूजन किया गया। इसके साथ कार्य समिति का गठन कर सभी को कार्यभार सौंपा गया। श्री सोमनाथ धाम के मठाधीश पीर डॉक्टर शंकर नाथ योगी, बाबा रंगूराम धाम के संत गुरुमुख दास, मेला कमेटी संयोजक महेश मंगरानी, मेला व्यवस्था प्रमुख हेमंत भोजवानी आदि द्वारा भूमि पूजन किया गया। जयप्रकाश झरमाड़ी ने बताया कि दो दिवसीय मेला 26 और 27 मार्च को लगेगा। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सिंधी खान पान के स्टॉल के साथ ही अमर शहीद हेमू कालानी जन्म शताब्दी वर्ष पर भी कार्यक्रम होंगे। ओम जय दूलह देवा, स्वामी जय दूलह देवा, पूजा कन्ता प्रेमी, सेवा कन्ता प्रेमी, सिंधु कर की सेवा। ओम जय ओम समर्पयामि नमः, नैवेद्यं समर्पयामि नमः, दक्षिणां समर्पयामि नमः, धूपं दीपं प्रत्येक दर्शयामि, धूपं दीपं नैवेद्यं तमुलम् नमः। अंतर्राष्ट्रीय मेला आगरा का झूलेलाल आयोजन समिति द्वारा बड़ा ही उत्साह, ये तीसरा मीना बाजार फील्ड में मेला लगा जाए, जिसमें हमने धर्म गुरुओं को यहाँ पे बुलाकर भूमि पूजन किया है। और किसी भी शुभ कार्य की तिथि होती है, उसमें भूमि पूजन जरूर होता है। और ये आगरा का मेला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इसमें हम सर समाज के साथ इसको बड़ी बखूबी से इसका अंजाम देते हैं। और हम फिर आगरा की जो झूलेलाल जयंती है 23 तारीख को आगरा में पूरे उत्साह से ये मेला मनाया जाएगा। हम सब लोग करें वो भी मना, और ये यहाँ पे कोठी मीना बाजार का दो दिवसीय मेला है, इसमें भी आके सभी लोग भागीदारी करो। 27 तारीख का है मेला और 26 यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार आ रहे हैं। दो दिवसीय मेले में ये अलग ही एक नज़ारा होता है, तभी तो उसको अंतर्राष्ट्रीय मेला कहा गया है। इसमें हमारी सतनाम साक्षी, हमारी दीदी भगवंती साजनानी, संत गुरुमुख दास जी, हमारे गुरु शंकरनाथ योगी जी, सभी ने हमको आशीर्वाद दिया। और आज इसकी तीसरी झूलेलाल मेला आयोजन समिति की ओर से झूलेलाल विशाल झूलेलाल तृतीय मेला जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, चरण समाप्त हो रहे हैं। हरिलाल भक्तियानी और उसमें आज भूमि पूजन हुआ है चित्रकूट धाम का। हमारे बीच में आज हमारे संत, हमारे बड़े बड़े संत, मेरे गुरु अभी डॉक्टर शंकरनाथ योगी जी, संत हमारे साईं गुरु उदासीन जी, हमारी दीदी भगवंती जी और तमाम शहर के गणमान्य लोग यहाँ आए हैं, भूमि पूजन हुआ है। तो आज इतना उत्साह है, 26-27 को कितना उत्साह होगा। आपके माध्यम से शहरवासियों से अपील भी करूंगा और बताना भी चाहूंगा, ये मेला 23 मार्च को शहीद हेमू कालानी का जो शताब्दी जन्म शताब्दी वर्ष है, उसको हमने 26 तारीख को एक शाम हेमू कालानी के नाम रूप दिया है, ऐतिहासिक मेला होगा। तो आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से अपील करूंगा कि 26-27 मार्च को कोठी मीना बाजार चित्रकूट धाम पर लगने वाले में पधारे, और 23 तारीख को भगवान झूलेलाल जयंती है, हेमू कालानी का जन्मदिवस है, उसको भी बड़ी सफलता से मनाया। धन्यवाद। हमारा तृतीय ये जो मेला लगने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मेला, इसमें सभी संतों, सभी भगवानों की आशीर्वाद से झूलेलाल का ये मेला लगने जा रहा है। इस मेले में सब सर्व समाज के लिए आमंत्रित किया गया, सिर्फ सिंधी समाज ही नहीं, सब समाज आएगा। और बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें और भजन संध्या, ये सब प्रोग्राम होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सबका सहयोग, संतों का सहयोग है, ये अंतर्राष्ट्रीय मेला पूरे वर्ल्ड में नाम करेगा। इस अवसर पर संरक्षक गिरधारी भक्तियानी एवं सुंदरलाल हरजानी सिंह, व्यवस्था प्रमुख सुनील करमचंदानी, वरिष्ठ सलाहकार टेकचंद चिवरानी, सह सलाहकार जितेंद्र त्रिलोकानी, मेला संयोजक महेश मंगरानी, सह संयोजक श्याम भुजवानी, सुरेश शीतलानी, नरेश लखवानी, प्रदीप बनवारी, महामंत्री सूर्य प्रकाश, मैदान प्रमुख हरीश टहलियानी, भोजराज लालवानी, तुलजाराम भगवत आवतानी, लक्ष्मण भावनानी के लाल त्रिलोकानी आदि लोग उपस्थित रहे।